हेलो दोस्तों, अगर आप दिल्ली एयरपोर्ट से डोमेस्टिक फ़्लाइट लेने वाले हैं तो ये वीडियो पूरा देखें। इस वीडियो में मैं आपको दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 की फुल डिटेल्स बताऊंगा, आपको बोर्डिंग पास से लेके सिक्योरिटी चेकिंग तक, ड्यूटी फ्री शॉपिंग ऑप्शंस से लेके फूड ऑप्शंस तक, एयरपोर्ट की स्मोकिंग, वाईफाई, व्हीलचेयर, पावर बैंक और बहुत सारी फैसिलिटीज़ के बारे में भी बताऊँगा। बट वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, साथ ही साथ इस वीडियो को हिट लाइक करें। अपनी फ़्लाइट के डेट और टाइम के 48 आवर्स यानी दो दिन पहले अपनी एयरलाइन की वेबसाइट पर जाके आप वेब चेक इन ज़रूर कर लें। वेब चेक इन करके आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से अपनी सीट यानी विंडो, मिडल या आइल चूज़ कर सकते हैं और इवन अपनी फूड प्रेफरेंस यानी वेज, नॉन वेज, वीगन, फ्रूट्स, ये सब भी आप पहले से ही एयरलाइंस को बता सकते हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पे 8 गेट एंट्री करने के लिए आप जैसे ही कैब से उतरते हैं, आपको एयरलाइंस और आपकी एयरलाइन कौन से गेट पर होंगी उसकी इंफॉर्मेशन जगह जगह पर बोर्ड के तौर पर मिल जाती है। यहाँ पे आपको एयरपोर्ट की व्हीलचेयर सर्विस के बारे में भी अगर कुछ पूछना हो या फिर पोर्टल सर्विस के बारे में पूछना हो तो यहाँ पे कियोस्क बने हुए हैं, आप यहाँ पे जाके पूछ सकते हैं और इनकी सर्विस ले सकते हैं। पब्लिक की फैसिलिटी और टाइम सेव करने के लिए एयरपोर्ट ने बोर्डिंग पास प्रिंट करने की मशीन्स एयरपोर्ट के बाहर और अंदर लगा रखी हैं। इस मशीन से आप अपना बोर्डिंग पास प्रिंट कर सकते हैं। आपको बस अपने टिकट का PNR नंबर डालना है अपनी फ़्लाइट ऑप्शन चूज करके और यहां से बोर्डिंग पास निकल जाएगा। यही बोर्डिंग पास आप अंदर कैरी कर सकते हैं। आपको एयरपोर्ट पे कोई भी डॉक्यूमेंट लाने की फिज़िकली ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। और अपना बोर्डिंग पास निकालने के बाद यहाँ से अपना हाथ सैनिटाइज करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ये बोर्डिंग वेंडिंग मशीन पूरी पब्लिक यूज़ करती है। अगर कोई आपके साथ आपको सी ऑफ करने आया है तो वो इस एरिया के आगे आपके साथ एंटर नहीं कर पाएगा, बट आप उनको यहाँ पे ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे कैफ़ेज़ और फूड शॉप्स अवेलेबल हैं जहाँ पर आपको स्नैक, सैंडविचेस, कोल्ड ड्रिंक्स एक्सेट्रा मिल जाएगी। कोविड को ध्यान में रखते हुए एयरपोर्ट ने एक नई फैसिलिटी दी है जिसमें आपके बैग्स को सैनिटाइज किया जाता है। ये मशीन एयरपोर्ट के बाहर और अंदर दोनों जगह लगाई गई हैं, जहां पे आपको अपने बैग्स इस मशीन के अंदर डालने हैं और दूसरी तरफ से वो सैनिटाइज होकर बाहर निकल जाते हैं। इस प्रोसेस को बिल्कुल अपनाइए, बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फ़्लाइट्स की रियल टाइम इन्फॉर्मेशन जाननी हो तो ये वाले बोर्ड्स को आप चेक कर सकते हैं, जो कि एयरपोर्ट के बाहर और अंदर दोनों जगह अवेलेबल हैं। यहाँ पे आपको फ़्लाइट्स की पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और आपके गेट नंबर की इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है, जिसके बेसिस पे आप एंट्री ले सकते हैं उस पर्टिकुलर गेट से। कोविड को ध्यान में रखते हुए कॉन्टैक्टलेस सिक्योरिटी चेकिंग का प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट किया गया है, जिसमें सिक्योरिटी गार्ड एक ग्लास के पीछे खड़ा है। आपको बस अपनी टिकट डिस्प्ले करनी है और अपना आईडी कार्ड डिस्प्ले करना है, वो वहीं पे चेकिंग करके आपको एंट्री अलाउ कर देंगे। अंदर जाके आपका टेम्परेचर चेक किया जाता है और आपको एंट्री अलाउ कर दी जाती है। जैसे ही आप एंटर करते हैं, आपको दोबारा यहाँ पे फ़्लाइट इन्फॉर्मेशन बोर्ड्स मिल जाते हैं, जहाँ पे आप डिटेल चेक कर सकते हैं आपको कौन से सेक्शन में जाना है। यहाँ पे ABCD वाइज सारे एयरलाइंस के सेक्शन दिए गए हैं, जहाँ पे जाके आप अपना लगेज ड्रॉप कर सकते हैं। अगर आपको अपने लगेज को और सिक्योर करना है तो यहाँ पे सिक्योर रैप की ऑप्शन भी अवेलेबल है, जो थोड़ी सी कॉस्टली होती है। आप अपनी एयरलाइन की रो में जाके अपना चेक इन बैगेज ड्रॉप कर सकते हैं। ये आपके बोर्डिंग पास के बेसिस पे ही आपका लगेज ले लेंगे। साथ ही साथ ऑनलाइन ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल है, अगर आप बैगेज टैग डाउनलोड करके इस पे पेस्ट करना चाहें, जैसे ये मैंने किया हुआ है। मैं एक येलो टैग लगाता हूँ जिससे मेरे बैग की सिक्योरिटी रहती है और पहचान रहती है। इसके बाद आपको सिक्योरिटी चेक इन के अंदर जाना है, जहाँ पर आपकी फ़िज़िकल सिक्योरिटी चेक की जाती है और आपको एंट्री आगे दी जाती है। बैगेज ड्रॉप और सिक्योरिटी क्लियर करने के बाद आपकी लाइफ काफ़ी आसान हो जाती है और आप रिलैक्स कर सकते हैं। सो इसी बात पे मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके और इस वीडियो को हिट लाइक करें। ये वीडियो मैंने दिल्ली एयरपोर्ट के डोमेस्टिक एंट्रेंस के लिए बनाई है। अगर आपको इंटरनेशनल
एयरलाइंस के अंदर जाना है तो उसकी एक सेपरेट वीडियो है, उसका लिंक आप ऊपर आई बटन या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। एयरपोर्ट में आपको जगह जगह पे फ्लाइट इंफॉर्मेशन के बोर्ड्स मिल जाएंगे, तो आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको आपकी फ़्लाइट का स्टेटस बार बार पता चलता जाएगा, उस हिसाब से अपना विज़िट आप प्लान कर सकते हैं। ये एयरपोर्ट काफ़ी सुंदर बनाया गया है और बहुत सी शॉपिंग ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है। आपके यहाँ पे किड्स से लेके लेडीज़ तक सारी शॉपिंग की ऑप्शंस अवेलेबल हैं। यहाँ पे सब ड्यूटी फ्री मिलता है, बट मेरे हिसाब से यहाँ पे चीज़ें कॉस्टली मिलती हैं आपको, बट आप फिर भी ट्राई कर सकते हैं या फिर विंडो शॉपिंग तो ज़रूर कर सकते हैं यहाँ पे आके, क्योंकि आपको ये एक काइंड ऑफ शॉपिंग मॉल लगेगा जहाँ पे इतने सारे ब्रांड्स जो आप बाहर मॉल्स के अंदर देखते हैं वही आपको यहाँ पे देखने मिल जाते हैं। शॉपिंग के साथ साथ फूड्स की भी बहुत ऑप्शन है। ये ग्राउंड फ्लोर है जहाँ पे दिल्ली स्ट्रीट जैसे आप देख सकते हैं ये ऑप्शन है, काफ़ी और भी ऑप्शंस हैं, बट इसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर है जहाँ मैं आपको अभी लेके चलूँगा। वहाँ पे फूड कोर्ट है और लाउंजेस हैं जहाँ पे फूड की बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल है। कोविड को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पे ध्यान रखा गया है और 3 सीट्स में से मिड वाली सीट को ब्लॉक कर दिया गया है कि कोई वहाँ पे ना बैठे। तो अगली बार जब आप जाएं और ये साइन बोर्ड देखें तो प्लीज़ इसको फॉलो कीजिएगा अपने बेनिफिट के लिए। चलिए अब मैं आपको फूड कोर्ट और ऊपर लाउंज के पास ले जाता हूँ, बट वहाँ जाने से पहले अभी के अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके, और इस वीडियो को थम्स अप क्लिक करके लाइक करें। आपको कोई और क्वेरी हो, कुछ भी पूछना हो एयरपोर्ट से रिलेटेड, डोमेस्टिक या इंटरनेशनल, तो मुझे नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। कोविड की सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे जगह जगह पे सैनिटाइजर्स रखे गए हैं, तो प्लीज़ इसका इस्तेमाल बार बार ज़रूर कीजिएगा। ये एकदम फ्री है और आपकी सेफ्टी के लिए यहाँ पे बनाया गया है। फूड कोर्ट जाते हुए यहाँ पे काफ़ी अच्छे नज़ारे आपको देखने मिल जाते हैं एयरपोर्ट ग्राउंड के, बट फूड कोर्ट जाते हुए अपने फ्लाइट इंफॉर्मेशन बोर्ड को चेक करना बिल्कुल भी ना भूलें, अदरवाइज आपकी फ़्लाइट मिस ना हो जाए। आप यहाँ से डाइन इन भी कर सकते हैं और टेक अवे भी ले सकते हैं एज़ पर योर कन्वीनियंस। यहाँ का एयरपोर्ट काफ़ी साफ़ सुथरा है और फूड कोर्ट को भी काफ़ी क्लीन रखा गया है, रेगुलर बेसिस पे यहाँ पे क्लीनलीनेस होती रहती है। एयरपोर्ट के डिफरेंट लोकेशंस पे आपको चार्जिंग पॉइंट्स मिल जाते हैं, तो अगर आपका फ़ोन या लैपटॉप चार्ज नहीं है तो आप यहाँ पे आके अपना लैपटॉप फ़ोन चार्ज कर सकते हैं, वो भी फ्री में। यहाँ पे आपके सिक्योरिटी के लिए जगह जगह पे फायर एक्सटिंग्विशर्स भी आपको दिख जाएंगे वेरी इजीली। अगर आपको स्मोकिंग की आदत है तो यहाँ पे डिफरेंट एरियाज़ में स्मोकिंग एरियाज़ भी बने हुए हैं जहाँ पे जाके आप स्मोकिंग कर सकते हैं। ये अब मैं आ गया हूँ ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे और आपको पूरा नज़ारा दिखा रहा हूँ कि ऊपर से कैसा दिखता है। इवन यहाँ पे हल्दीराम भी है जो आप लेके जा सकते हैं आगे ख़रीद के। यहाँ पे दो लाउंजेज है, एक एयर इंडिया का है, एक प्लाज़ा प्रीमियम लाउंज है। प्लाज़ा प्रीमियम लाउंज आप अपने किसी भी बैंक से एक्सेस कर सकते हैं। इसका एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाया है जिसका लिंक ऊपर आई बटन में है और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है, आप उसको क्लिक करके मेरा पूरा फूड रिव्यू लाउंज रिव्यू देख सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया काफ़ी सारे ऑप्शंस काफ़ी सारे प्लेसेस पे आपको मिल जाएंगे जहाँ पे आप अपने चार्ज कर सकते हैं अपने डिवाइसेस को। यहाँ पे बहुत सारी शॉपिंग की और ग्रॉसरी शॉपिंग की भी ऑप्शंस अवेलेबल है। आप यहाँ से बुक्स परचेज कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स ले सकते हैं, किड्स का सामान ले सकते हैं, चॉकलेट्स खरीद सकते हैं और बहुत कुछ। साथ ही साथ ये देखिए दूसरा स्मोकिंग एरिया है जो एंट्री से पहले आपको मिल जाता है। अपने बोर्डिंग पास पे अपना गेट नंबर ज़रूर चेक करें और उस हिसाब से अपना विज़िट प्लान करें।
आपको यहाँ पे दिख रहा है 37 से 62 लेफ्ट साइड पे है, जिसमें आपको मैक्सिमम 13 मिनट्स लग सकते हैं जाने में, और 27 से 36 गेट नंबर राइट साइड पे है, जिसमें मैक्सिमम 7 मिनट्स लग सकते हैं। तो अपना टाइम मैनेजमेंट अपनी फ्लाइट के टाइम के हिसाब से ही आप करें। आप जब गेट्स के पास जाते हैं तब भी आपको काफ़ी सारी फूड ऑप्शंस, शॉपिंग ऑप्शंस मिल जाती हैं। ये एयरपोर्ट काफ़ी अच्छा, काफ़ी सुंदर और काफ़ी बड़ा बनाया गया है, और यहाँ पे ऑप्शंस भी आपको बहुत सारे अवेलेबल हैं। अगर आपको चलने में तकलीफ़ है तो आप यहाँ पे एस्केलेटर्स का यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप अपनी व्हीलचेयर बुक करा सकते हैं अपनी एयरलाइंस के थ्रू। एयरपोर्ट पे आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं, जैसे चार्जिंग पॉइंट्स मैंने आपको बताया, साथ ही साथ यहाँ पे आपको टेलीफोन बूथ मिल जाते हैं जिसके थ्रू आप अपने प्रियजनों को फ़ोन कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं अगर आपके पास फ़ोन की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है तो। अगर आपकी फ़्लाइट को काफ़ी कम टाइम रह गया है या आपके साथ कोई बुज़ुर्ग हैं तो आप एयरपोर्ट की ये व्हीकल फैसिलिटी ले सकते हैं, जो बिल्कुल फ्री है और ये आपको आपके गेट तक ईजिली पहुंचा देती है टाइमली। आपकी फ़्लाइट को काफ़ी टाइम है तो एयरपोर्ट के अंदर ही आपको काफ़ी रूम्स मिल जाते हैं छोटे बने हुए, जहां पे आप अपना स्टे कर सकते हैं और सो भी सकते हैं। अपनी फ़्लाइट इंफॉर्मेशन बार बार चेक करते रहिएगा क्योंकि यहां पे बोर्ड्स अवेलेबल हैं, और अपने गेट को भी चेक करते रहिएगा कि वो कितना दूर है आपके एरिया से। एयरपोर्ट ने एक नई फैसिलिटी और इंट्रोड्यूस की है, जिसमें आप अपने गेट पे जाके भी अपना फूड ऑर्डर कर सकते हैं, और आपको फूड कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं है, वो आपका फूड आपके गेट के पास ही आपको डिलीवर करेंगे। कई बार फ्लाइट के गेट्स नंबर भी चेंज हो जाते हैं आपको बोर्डिंग पास देने के बाद भी, तो एयरपोर्ट की इंफॉर्मेशन जो वहाँ पे अनाउंस होती है उसको बार बार सुनते रहिएगा और ये वाले बोर्ड रेगुलर चेक करते रहिएगा। अपने पर्टिकुलर गेट के पास पहुंच के आपको ऐसा नज़ारा दिखता है जहां पे सारे लोग राइट साइड लेफ्ट साइड वेट कर रहे होते हैं गेट के, सिटिंग ऑप्शंस अवेलेबल है आपके पास। कोविड को देखते हुए सिटिंग का भी बीच वाली मिड सीट अवॉइड की गई है, वहां पे आपको नहीं बैठना है और साइड वाले में बैठना है टू मेंटेन द सोशल डिस्टेंसिंग। कोविड को ध्यान में रखते हुए आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ता है, साथ ही साथ आपको पैसेंजर सेफ्टी किट दी जाती है, जिसमें आपको फेस शील्ड, एक मास्क और सैनिटाइज़र के पाउच दिए जाते हैं। ये हर एयरलाइन आपको दे रही है आजकल, और आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ये मैंडेटरी है फ्लाइट्स के अंदर, इसके बिना आप एंट्री नहीं ले पाएंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को थम्स अप क्लिक करके लाइक कर दें, मेरे चैनल को नीचे सब्सक्राइब बटन क्लिक करके सब्सक्राइब कर दें, और सबके साथ ये वीडियो को शेयर करें। डू हिट द लाइक बटन इफ यू एंजॉयड वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई YouTube चैनल फॉर मोर ट्रैवल अपडेट्स। ऑल्सो फॉलो मी ऑन Facebook एंड Instagram।